भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 भारतीय टीम हार गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाई, 170 रनों के लक्ष्य को नहीं बचा पाई? आइए हम नजर डालते हैं उन तीन कारणों पर जिससे हारी टीम इंडिया। कारण नंबर एक, टीम इंडिया की खराब शुरुआत। ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल को जो आज करना था वो नहीं कर पाए। रोहित 15, राहुल 11 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे को छोड़ दिया जाए तो बाकी बल्लेबाज भी हल्का खेल ही दिखाते रहे। विराट कोहली आज 19 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं ऋषभ पंत आखिरी तक टिके रहे लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर पाए और महज 33 रन बना पाए 22 गेंदों। उसके अलावा श्रेयस अय्यर का बल्ला भी खामोश रहा और बल्लेबाज महज 170 रन ही जोड़ पाए बल्लेबाजों की पिच पर। कारण नंबर दो, जब टीम इंडिया के फील्डर्स को शानदार फील्डिंग करनी थी तब वो फील्डिंग डुबा दी गई। खासकर आलोचना करनी होगी टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत की, जिन्होंने उस वक्त कैच टपकाए जब अगर कैच पकड़ ले जाते तो टीम इंडिया आज जीत चुकी होती। पंत ने लेविस का कैच छोड़ा जिन्होंने बाद में 40 रन बनाए। सिमेंस के कई कैच छूट गए और ये कैच इतने भारी पड़ गए कि इन बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर गेंदबाज को जमकर पीट दिया। और कारण नंबर तीन, टीम इंडिया के गेंदबाजों का लचर प्रदर्शन। दीपक चहर 3 ओवर में 30 रन, कोई विकेट नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर गेंदबाजी की, कोई विकेट नहीं निकाल पाए। शुरुआती 2 ओवर में महज 7 रन दिए थे लेकिन आखिरी के 2 ओवर में आंकड़ा पार हो गया 36 के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिटाई हुई। चहल की भी जमकर पिटाई हुई और यही कारण रहा कि इस पिटाई ने टीम इंडिया को हरवा दिया। ऐसे में अगला मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को सभी जगह पर ध्यान जरूर देना होगा, वरना काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि जिस मैच में टीम इंडिया सीरीज जीतने का सपना देख रही थी वो टूट गया और अगला मैच नहीं जीती तो समझो सीरीज कभी नहीं जीती। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।